नमस्कार बच्चों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर बिजनेस स्टैटिक्स में अपने पढ़ रहे थे समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन में आज अपने एक सवाल को हल करके देखते हैं। अपने को क्या है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन इस सवाल के अंदर संचयी आवृत्ति यानी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ये सवाल है, जिसमें एज इन ईयर्स आयु दे रखी है और आयु दे रखी लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40 इस प्रकार, और अपने को फ्रिक्वेंसी दे रखी। तो ये जो सवाल है ये कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का है। तो पहले तो अपने इसको सिंपल यानी साधारण फ्रिक्वेंसी के अंदर इस सवाल को चेंज करेंगे। तो अगर अपने सवाल को देखें तो सवाल है कि लेस देन 25 यानी 25 से कम, फिर है लेस देन 30 यानी 30 से कम, फिर है लेस देन 35 और फिर है लेस देन 40। यानी तो अगर आगे अपने देखें तो इसमें जो अंतर है वो 5 का जा रहा है। अंतर कितना जा रहा है? 5 का। तो पहले अपने इसको ग्रुप बनाएंगे, अपने कॉलम बना लेंगे एज इन ईयर्स, और इसमें पहले अपने क्या है कि ग्रुप बनाएंगे। तो अंतर है वो 5 का है। तो पहला है लेस देन 25 यानी 25 से कम, और अंतर अपने को लेना है 5 का। तो ये ग्रुप बन जाएगा 20 से 25। सेकंड है लेस देन 30, तो ये हो जाएगा 25 से 30, 30 से 35, इस प्रकार ये अपने ग्रुप ही बन जाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी, उसको अपने को साधारण फ्रिक्वेंसी में चेंज करना है। तो ये कह रहा है कि लेस देन 25 यानी जो 25 से कम है उसकी फ्रिक्वेंसी है 8, तो 20 से 25, ये 25 से कम हुआ तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 8। सेकंड ये बोल रहे हैं कि लेस देन 30 यानी जो 30 से कम है उसकी फ्रिक्वेंसी है 23, तो 30 से कम आप देखो कि 25 से 30 ये भी 30 से कम है, और 20 से 25 ये भी 30 से कम है। तो यहाँ पर अपने फ्रिक्वेंसी इस प्रकार निकालेंगे कि वो कह रहे हैं कि 30 से कम जो है वो फ्रिक्वेंसी है 23, तो अपने कहते हैं कि 20 से 25 की फ्रिक्वेंसी 8 है, तो 23 में से 8 घटा दें तो वो 25 से 30 की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 15। और यहाँ पर अगर अपन टैली करें, ये कह रहे हैं कि 30 से जो कम फ्रिक्वेंसी है उसकी फ्रिक्वेंसी 23 है, तो देखो ये भी 30 से कम है इसकी 8, और ये भी 30 से कम है तो इसकी 15, 15 और 8 23। इस प्रकार पिछली वैल्यू अपने घटाते जाएंगे। आगे लेस देन 35 में ये 51 बता रहे हैं, 51 में से अपने क्या है कि ये 15 घटा देंगे और ये अपने 8 घटा देंगे, यानी 51 से अपने 23 घटा देंगे तो ये होगी 28। आगे बोल रहे 81, 81 में से 51 घटा देंगे 30, 103 में से 81 घटा देंगे 22, 113 में से 103 घटा देंगे 10, 117 में से 113 घटा देंगे 4, और 120 में से 117 घटा देंगे 3। यानी जो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है उसको अपने सिंपल फ्रिक्वेंसी के अंदर बदल लेंगे, और फिर अपने निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू 20 और 25 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो 22.5, 25 30 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे 27.5, इस प्रकार अपने मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? L1 प्लस L2 बटे 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, और फिर अपने निकालें D डैश एक्स कैसे निकलते हैं? ये स्टेप डिवीजन मेथड से अपने इस सवाल को हल कर रहे हैं। स्टेप डिवीजन मेथड कहाँ पर लागू होता है? जहाँ पर वर्ग विस्तार समान हो, सतत श्रेणी में वर्ग विस्तार समान हो।
तो यहाँ पर अपने अगर देखें तो वर्ग विस्तार अपना एकदम इक्वल आ रहा है 5 का, तो स्टेप डिवीजन मेथड लागू हो जाएगा। तो स्टेप डिवीजन मेथड में अपने निकालते हैं डी डेस एक्स, और डी डेस एक्स कैसे निकलते हैं, एक्स माइनस ए बट्टे आई, और ए यहाँ पर मैंने लिया 37.5। जो मूल्य होते हैं उनको संकेत देते हैं अपने एक्स, तो यहाँ पर जो मूल्य है इसके अपने मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू को अपने संकेत दे देंगे एक्स। मिड वैल्यू निकालते ही इस ग्रुप का कोई महत्व नहीं रह जाता, और ए हमने लिया है 37.5। तो एक्स माइनस ए ये एक्स हो गया, तो 22.5 में से 37.5 घटाएंगे तो कितने हुए, माइनस के 15, और माइनस के 15 में भाग देंगे आई का, यानी वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार है हमारा 5, तो माइनस 15 में 5 का भाग देंगे तो माइनस के 3। 27.5 में से 37.5 घटाएंगे माइनस 10, और उसमें भाग देंगे 5 का तो माइनस 2। 32.5 में से 37.5 घटाएंगे तो माइनस के 5, और उसमें भाग देंगे 5 का तो माइनस 1, ये 0 हो जाएगा और ये आगे प्लस के हो जाएंगे। तो डी डेस एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए बट्टे आई, और अगला कॉलम बनाएंगे एफ डी डेस एक्स, डी डेस एक्स को एफ से गुणा करेंगे, 8 को करेंगे माइनस 3 से तो माइनस 24, 15 को करेंगे माइनस 2 से माइनस 30, 28 को करेंगे माइनस 1 से माइनस 28, 30 को करेंगे 0 से 0, 22 को 1 से 22, 10 को 2 से 20, 4 को 3 से 12, 3 को 4 से 12। और अब अपने n, n मतलब फ्रिक्वेंसी का टोटल, फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे 120, और एफ डी डे सिक्स का टोटल करेंगे समेशन, एफ डी डे सिक्स बराबर माइनस के 16। और फिर अपने फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस समेशन एफ डी डेस एक्स बटे एन इंटू आई, और तो एक्स बार क्या होगा, ए हमने कितना लिया था 37.5, यहाँ पर ये दो चिन्ह है प्लस और माइनस के, ये मैंने आपको बताया था कि समेशन एफ डी डेस एक्स का टोटल अगर प्लस का है तो चिन्ह प्लस का आएगा, और माइनस का है तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस का है तो माइनस 16 बटे एन 120 इंटू आई 5, तो 37.5 माइनस, देखो 16 को 5 से गुणा करेंगे और उसमें 120 का भाग देंगे तो ये आ रहा है माइनस 0.67, तो 37.5 में से माइनस 0.67 घटाएंगे तो ये आ रहा है 38.83, तो हमारा एक्स बार हो गया 38.83। तो ये क्वेश्चन था जिसमें क्या है कि संचयी आवृत्ति दी हुई थी, संचयी आवृत्ति को सबसे पहले अपने साधारण आवृत्ति में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है, और इसमें क्या है कि मिड वैल्यू दे रखी, मिड वैल्यू दे रखी, तो अगर मिड वैल्यू दे रखी हो तो अपने मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, मिड वैल्यू अपने को दी हुई है और एफ अपने को दे रखा है, तो सीधा सवाल अपने हल कर सकते हैं। यह क्या है कि अपने मिड वैल्यू से पहले वर्ग बना लेंगे, मिड वैल्यू इसने दे रखी है 5, 15, 25, 35, 45, मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि पहली मिड वैल्यू और दूसरी मिड वैल्यू इनमें अंतर देखो, जैसे इस सवाल में पहली 5 है दूसरी 15, तो यानी अंतर हो गया 10 का, इस अंतर का हम आधा करेंगे, 10 का आधा 5, एक बार मिड वैल्यू में से घटाएंगे और एक बार मिड वैल्यू में जोड़ेंगे। जैसे पहली मिड वैल्यू है 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। दूसरी मिड वैल्यू 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, और 15 में 5 जोड़ेंगे 20। इस प्रकार अपने ग्रुप बना लिए, फ्रिक्वेंसी अपने को देर की है, मिड वैल्यू अपने मिड वैल्यू निकाल लेंगे, 0 और 10 दोनों का जोड़कर 2 का भाग 5, और जैसा कि सवाल में मिड वैल्यू देर की है तो मिड वैल्यू हुई है, अगर मिड वैल्यू दे रखी है
तो ये ग्रुप बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अपने सीधी मिड वैल्यू लिखेंगे और एफ लिख लेंगे, क्योंकि ग्रुप जब बनाएंगे तो भी अपने को मिड वैल्यू वापस निकालनी ही पड़ेगी। और अब अपने निकाल लेते हैं डी डेस एक्स किस में निकलता है, जब हम स्टेप डिवीजन मेथड लागू करते हैं। और स्टेप डिवीजन मेथड कब लागू करते हैं, जब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर वर्ग विस्तार समान हो। तो डी डेस एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, ए मैंने माना है 25 को, ए किसको माना, 25 को, तो एक्स माइनस ए बट्टे आई, आई का मतलब है वर्ग विस्तार, और एक्स अपने मानेंगे मिड वैल्यू, 5 में से 25 घटाएं तो माइनस 20 बट्टे आई, आई मतलब अंतर, अंतर 10 का है तो 10 का भाग देंगे माइनस 2, 15 में से 25 घटाएं तो माइनस 10, माइनस 10 में 10 का भाग दें तो माइनस 1, इसी प्रकार 0, 1, 2। अगला कॉलम बन जाएगा एफ डी डेस एक्स, डी डेस एक्स की एफ से गुणा करेंगे, 5 के माइनस 2 से माइनस 10, 10 को माइनस 1 से माइनस 10, 14 के 0 से 0, 21 के 1 से 21, 20 के 2 से 40। एन बराबर फ्रिक्वेंसी का टोटल, फ्रिक्वेंसी का टोटल हो रहा है 70, और समेशन एफ डी डे सिक्स बराबर, ये प्लस का आ रहा है 41। अब फॉर्मूला लगेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस माइनस समेशन एफ डी डे सिक्स बट्टे एन इंटू आई, ए 25 प्लस 41 बट्टे 70 इंटू 10, 25, 41 को 10 से गुणा करें 410, 70 का भाग देंगे तो 5.86, और 25 में अगर ये जोड़ दें 5.86 तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30.86। अब बच्चों अपने एक पढ़ते हैं सामूहिक समांतर माध्य, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। देखो सामूहिक समांतर माध्य क्या है, जैसे आपको एक ग्रुप दिया हुआ होगा कि इस ग्रुप में फ्रिक्वेंसी इतनी है और एक्स बार इतना है, जैसे माना बच्चे हैं अलग अलग चार ग्रुप हैं, कि पहले ग्रुप में 100 बच्चे हैं और उनके औसत मार्क्स है 40, दूसरे ग्रुप में 50 बच्चे हैं उनके औसत मार्क है 30, तीसरे ग्रुप में 70 बच्चे हैं औसत उनके मार्क्स है 40, और चौथे ग्रुप में 200 बच्चे हैं और औसत मार्क्स है 55। और अब अपने को बोलता है कि इन सारों ग्रुप का औसत मार्क्स ज्ञात करो, यानी जो चार ग्रुप हैं उनको सारों का कंबाइंड अपने को अर्थमेटिक में निकालना, तो वो होता है सामूहिक समांतर माध्य। तो इसका संकेत है एक्स बार, अब जितने मान लो ग्रुप है 1, 2, 3 ये अपने लिख लेंगे, जैसे 4 है तो 1, 2, 3, 4, इसका फॉर्मूला है एक्स बार 1 इंटू एन 1 पहले ग्रुप का एक्स बार इंटू पहले ग्रुप में पदों की संख्या प्लस एक्स बार 2 इंटू एन 2 पहले ग्रुप का सेकंड ग्रुप का एक्स बार और सेकंड ग्रुप में पदों की संख्या प्लस एक्स बार 3 इंटू एन 3 यानी तीसरे ग्रुप का एक्स बार यानी समांतर माध्य इंटू तीसरे ग्रुप में पदों की संख्या, इस प्रकार ये चलता जाएगा, और बट्टे एन 1 प्लस एन 2 प्लस एन 3 यानी सारे ग्रुपों के जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। अपने एक सवाल को हल करते हैं, एक अपने को सवाल दे रखा है जिसमें तीन ग्रुप है और उनकी फ्रिक्वेंसी है 100, 125 और 150 और उनके माध्य अपने को दे रखे। तो एक्स बार 1, 2, 3 पहले का एक्स बार 20 इंटू पहले में पदों की संख्या 100 प्लस सेकंड का एक्स बार 15 इंटू सेकंड में पदों की संख्या 125 प्लस तीसरे का एक्स बार 25 इंटू तीसरे पदों की संख्या 150 और बट्टे पदों की संख्या 100 प्लस 125 प्लस 150। 20 को 100 से गुणा करें 2000 प्लस 15 को 125 से करें 1875 प्लस 25 को 150 से करें 3750 और इन तीनों को जोड़ें तो 375। अब 2000, 1875, 3750 को जोड़ें तो 3625 भाग 375 और इसका भाग देंगे तो 20.33। यानी जो तीन ग्रुप दे रखे उनके अगर अपने एवरेज मार्क्स निकालें तो वो एवरेज आ रहा है आपके
20.33। इसी प्रकार एक सवाल और दे रखा है, वो कह रहा है कि एक ग्रुप है उसकी मजदूरी जो औसत है वो तो है 15, और उस ग्रुप में पदों की जो संख्या है यानी जो टोटल मजदूर है वो है 100, और संपूर्ण जो समूह है यानी जो टोटल है उसकी औसत मजदूरी अपने को 15.6 दे रखी, और टोटल जो फिटर्स है उसकी संख्या है 250। तो अपने को दूसरे समूह के फिटर्स की मजदूरी ज्ञात करनी, यानी एक तो इसमें अपने को कमांड दे रखा है कि टोटल जो संख्या है वो तो है 250, और कमांड जो अर्थमेटिक मीन है वो है 15.6, और इसमें दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में संख्या 100 है और औसत 15 है, और सेकंड अपने को निकालना है। तो वो अपने फॉर्मूला लिख लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपने कमांड एक्स बार, कमांड एक्स बार इसने दे रखा है 15.6 बराबर, पहले ग्रुप का एक्स बार है 15 इंटू संख्या है 100 प्लस सेकंड का एक्स बार अपने को निकालना है, तो एक्स बार 2 इंटू सेकंड में पदों की संख्या। देखो जब टोटल संख्या 250 है और वो कह रहे हैं कि पहले ग्रुप की संख्या है 100, तो सेकंड की संख्या होगी 150 और बट्टे 100 प्लस 150, तो 100 और 150 को जोड़ें तो 250। अब अपने क्या करेंगे, 15.6 इंटू 250, ये तिरछी गुणा हो जाएगी बराबर, 15 को 100 से करें 1500 प्लस, और 150 को x बार 2 से करें तो 150 x बार 2, 15.6 को 250 से गुणा करें तो 3900 बराबर 1500 प्लस 150 x बार 2। अब 150 x बार 2 को इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 150 x बार 2 बराबर, ये 3900 इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3900 प्लस 1500 माइनस 150 x बार 2 बराबर 3900 माइनस के हैं 1500 प्लस के हैं, तो ये भी क्या है कि माइनस का हो जाएगा 2400। तो x बार 2 बराबर माइनस 2400 बट्टे माइनस 150, माइनस से माइनस कट जाएगा तो उत्तर आ गया 16। यानी पहला जो ग्रुप है उसकी एवरेज है 15 और उसमें संख्या है 100, और सेकंड जो ग्रुप है उसमें संख्या 150 है और उसका एवरेज अपने को निकालना था, तो उसका एवरेज आ रहा है 16 रुपये, यानी दूसरा जो फिटर्स है उसकी मजदूरी औसत मजदूरी होगी 16 रुपये। तो ये बच्चों सवाल थे जो अपने हल करके देखे। पहला सवाल तो था जिसमें संचयी आवृत्ति दे रखी थी, तो संचयी आवृत्ति को अपने साधन आवृत्ति में बदलना होता है, दूसरे में मिड वैल्यू दे रखी थी, और फिर आपके ये थे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, सामूहिक समांतर माध्य। तो ये सवाल थे जो अपने हल करके देखे। धन्यवाद।